यस नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है हम अलवर की कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ में मंडी के व्यापारी और अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर सरसों की कितनी आवक हो रही है और मंडी के अंदर क्या भाव है। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। आज मंडी के अंदर कितनी आवक है और क्या भाव है? सभी को नमस्कार। आज अलवर कृषि उपज मंडी में 4 से 5 हजार कट्टे की आवक है और भाव ऊपर में 6 हजार, नीचे में 5400 रुपये के भाव सरसों के बिके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भाव को देखकर किसान सरकारी एजेंसियों में जो समर्थन मूल्य पर जा रहा था वो सब मंडियों में अपना माल ला रहा है। अभी सरकारी जो एजेंसी है वो माल ले रही है, वो कब? सरकारी एजेंसियों ने उनका जो 550 रुपये का जो रेट था समर्थन मूल्य, वो मैं समझता हूँ कि उनका समय भी एक पूरा हो चुका है और वर्तमान में उनके पास जो रजिस्ट्रेशन किसानों ने करा रखे थे वो अब नहीं जा रहे। और अभी 3 दिन पूर्व 6 हजार रुपये के भाव सरसों के हुए थे, लेकिन जैसे ही हरियाणा सरकार द्वारा एक मैसेज निकाला गया कि हैपेड द्वारा सरकारी से सरसों जो समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदी है वो हम खुले बाजार में बेचेंगे, उससे अचानक 200-300 रुपये का मुद्दा आया। लेकिन पुणे परसों जब ये समाचार प्राप्त हुए कि अभी हैपेड द्वारा कोई सरसों नहीं बेची जाएगी, तो पुणे 6 हजार रुपये के सरसों के भाव आ गए। तो इससे ऐसा लगता है कि वास्तव में सरसों की पैदावार कम है। सरसों के सरकारी एवं अन्य प्राइवेट लोगों ने जो आंकड़े दिए थे वो गलत साबित हुए। अभी पैदावार का कारण कम क्यों मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? किसान को जब पूरा समर्थन पिछले वर्षों में जो ज्यादा विदेशी तेलों का आयात हुआ उससे उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला, तो वो अन्य फसलों पर डाइवर्ट हो गया। और सरकार को तिलहन की पैदावार को बढ़ावा देना चाहिए, बाहर के तेलों पर आयात शुल्क लगाकर बाहर के तेलों को रोककर इंडिया के जो हमारे किसान हैं उनकी एक हित की रक्षा करनी चाहिए। तो अभी जो विदेशी तेल की अगर अपन बात करें तो उसके भाव को लेकर क्या स्थिति है? विदेशी तेलों का अगर अपन जो बात करें, विदेशी तेल और हिंदुस्तान का तेल, हिंदुस्तान में 35% तेल पैदा होता है, 65% अभी विदेशों पर निर्भर होता है। लेकिन 35% तेल का भी भाव अगर केंद्र सरकार चाहे इतना अपना किसानों को पैसा दिलाने के लिए विदेशी तेल, चूंकि वर्तमान में काफ़ी मध्य चल रहे और उसका कारण है आयात शुल्क का फ्री होना, आयात शुल्क पर अगर ड्यूटी लग जाए तो मैं समझता हूँ कि विदेशी तेल अगर थोड़ा सा 20% अगर महंगे होंगे तो हमारे जो स्वदेशी तेल है उनको एक सपोर्ट मिलेगा, किसान उसकी ओर आकर्षित होगा। अभी आगे आने वाले 1-1.5 महीने बाद सोयाबीन की पैदावार की बुआई होगी। अगर सरसों का इस तरह का जो भाव रहा और सोयाबीन का भाव रहा तो मैं समझता हूँ कि सोयाबीन की बुआई केंद्र में वो पूरे भारत में हमारा किसान बहुत अच्छी पैदावार करेगा। अभी अपन बात करें तो जैसे पिछले साल की तुलना में और अब की बार की तुलना में मतलब कितना अंतर देखने को मिल रहा है सरसों में? सरसों में पिछले साल के मुकाबले भाव के हिसाब से 500-600 रुपये का अभी ऊंचा देखने को मिल रहा है और वर्तमान में जो पिछले साल की जो पैदा थी और वर्तमान में जो पैदा है वो 25-30% कम पैदा देखी जा रही है, इसलिए इसका भाव ऊंचा होने का। अभी जैसे MSP है जो, तो MSP तो वही है, MSP सरकारी द्वारा सरकार एक बारी उसको घोषित करती है और उस पर किसान द्वारा माल किसानों ने बेचा और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उसे खरीदा है और अब उन्हें कब बेचती है अब ये केंद्र सरकार की राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। जब बाजार में माल आएगा समर्थन पर खरीदा हुआ तब बाजार में थोड़ी सी रुकावट देखी जा सकेगी। अभी बीच में कुछ व्यापारी कह रहे थे कि जो तेल मिल है वो बंद होने के कगार पे आ गई है, उसका क्या स्थिति है? अभी भी वही स्थिति है, विदेशी तेलों का मंदा होना, स्वदेशी तेलों की उपलब्धता नहीं होना, दोनों का अंतर होने की वजह से तेल मिलों में कोई पड़ता नहीं है और हमारे विदेशी तेल ज्यादा बिक रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो अध्यक्ष है सुरेश जलालपुरिया जी, उन्होंने हमको यहाँ सरसों के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडी के अंदर अब 3 से 4 हजार कट्टे की आवक जो है सरसों की रह चुकी है। नितिन शर्मा, अलवर।